हेलो व्यूअर्स, आई एम साजिद महमूदी, यू आर वॉचिंग पाक टैल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आपके साथ किस तरह फ्रॉड्स हो सकते हैं। आपको मोबाइल में ख़रीदने से पहले चंद चीज़ों का करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो 2 या 3 मिनट की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे, इंशाल्लाह आपके इलम में इतना इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपका नुकसान नहीं हो सकेगा। अगर ये 2-3 मिनट आपके बहुत कीमती होंगे, अगर आप हमारे साथ देंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहे। तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि अगर आप मार्केट में मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं या आप ऑफलाइन मार्केट में ख़रीदना जा रहे हैं या आप ऑनलाइन मार्केट में ख़रीदना चाह रहे हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जी हाँ, एक नंबर तो जब भी आप मोबाइल ख़रीदने के बाद मोबाइल को अनबॉक्स करके उसकी वारंटी ज़रूर चेक करें। अगर आपको वारंटी नहीं चेक करनी आती, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, इसमें जाकर आप ओप्पो के मोबाइल की वारंटी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की जाती है। और इसके अलावा अगर आप वीवो कंपनी की वारंटी चेक करना चाह रहे हैं, उसका भी ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उसकी भी वारंटी चेक करने का तरीका वहाँ पर बता दिया गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ख़रीदने से पहले आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा कि अगर आप मार्केट से मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट से या ऑनलाइन मार्केट से, आपको मोबाइल खरीदे वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो दुकानदार है वो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं। और अब आपके लिए फैमिली की तरह, भाई की तरह, मतलब जैसा कि आप समझे मेरे फ्रेंड्स हैं और आप मुझसे मशवरा ले रहे हैं कि आप मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप मैं कौन सा मोबाइल ख़रीदूँ। आपसे पहले सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आपका मिशन क्या है, आपकी सोच क्या है। क्या आप एक कैमरा अच्छा मोबाइल में चाहते हैं, या आप एक अच्छा डिस्प्ले या एक अच्छा प्रोसेसर परफॉर्मेंस अच्छी कहते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को पूछते हुए मुझसे कमेंट्स बॉक्स में देखा है कि सर हमें कंसिडर करें कि हम मोबाइल कौन सा ख़रीदें और हमें कौन सा बेहतर होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों की तरीके से मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आप कभी भी मोबाइल यूट्यूब पे रिव्यू देख के, मोबाइल के अनबॉक्सिंग देख के मोबाइल की ख़रीदने की सोच मत रखिएगा। क्योंकि उसके हमने जो बताना होता है, हमने उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं वो बतानी होती है। बाय करना डिपेंड आप पे होता है कि आपने उसे बाय करना है या नहीं करना। मैं आपको वाजिया कर दूं यार, अगर आप मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं, ये चीज़ मद्देनज़र में रखना कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपकी ज़रूरत एक अच्छा कैमरा है, तो आप उस बजट जो आपका बजट है उसमें एक अच्छा कैमरे के लिहाज से मोबाइल देखें। अगर आपका बजट है, आप चाहते हैं कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छी लेनी है, जैसे प्रोसेसर और रैम अच्छी हो, और ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं, कोई भी कंपनी कोई भी स्मार्टफोन बनाती है, चाहे वो एप्पल है, सैमसंग है, चाहे वो वीवो है, ओप्पो है, रेडमी है, शाओमी है, कोई भी कंपनी है, और हर डिवाइस में वो एक चीज़ को कम रखती। तमाम आल मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बेस्ट नहीं होते, उन्होंने एक चीज़ को कारगट किया होता है। जिस तरह किसी मोबाइल में उन्होंने कैमरा अच्छा दिया होता है, किसी मोबाइल में उन्होंने डिस्प्ले अच्छा दिया होता है, सुपर एमोलेड पैनल दिया होता है, और किसी मोबाइल में उन्होंने प्रोसेसर अच्छा दिया होता है, और किसी मोबाइल में उन्होंने रैम अच्छी दी होती है। अब आपका यूज़ क्या है? अगर आप एक गेमर हो और अगर आप एक गेमिंग करते हो, तो साफ ज़ाहिर आपको प्रोसेसर और रैम से ताल्लुक़ होगा, अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं। आप अपने बजट प्राइस में वो मोबाइल सर्च करें जिसका प्रोसेसर और रैम अच्छी हो, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ना कि आप ऐसा सोचें कि आप कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा हो। देखें, आप दोनों में से एक ही चीज़ ले सकते हैं। आपसे मैं दूसरी बात बता दूंगा, अगर आप शॉप में जाके कहेंगे कि मुझे अच्छे कैमरे वाला मोबाइल दे दें, तो आप ये गलती मत करना। सब शो वाले तो नहीं, लेकिन चंद शो वाले ऐसे होते हैं, वो जो उनके पास बिक नहीं रहा होता उसको आगे ला के दे देते हैं कि ये इस मोबाइल बेहतरीन है, इसका कैमरा बेहतरीन है, वो आपको चिपका देते हैं। तो काइंडली आप खुद स्मार्ट से बनिएगा।
आप पहले मोबाइल इंटरनेट में सर्च करें, उसकी प्राइस सर्च करें, फिर इंटरनेट पे उसकी वीडियोस देखें, और एक वीडियो ना देखें, काफ़ी मल्टीपल वीडियोस देखें, मेरी वीडियो देखें कि इसने अनबॉक्सिंग क्या किया है, किसी और की देखें उसमें क्या किया है, क्योंकि मैं भी यार क्लियरली एक फैमिली मेम्बर की तरह, दोस्त की तरह आपको मशवरा दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कंसिडर करूँगा कि मेरी ही देखें। आप दो तीन वीडियोस देखें, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मोबाइल की तीन चार बंदों ने क्या बताई है और क्या परफॉर्मेंस हो गई। तो आप वीडियोस देखें, अनबॉक्सिंग देखें, कैमरा रिजल्ट देखें उसका, अगर आपने गेमिंग के हिसाब से लेना तो आप उसकी गेमिंग देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, ताकि आप एक सिलेक्शन बेहतरीन सिलेक्शन कर सकें। और दूसरी बात यह है, जब आप मोबाइल ले लेते हैं, देखें जी बात सीधी सी है, वो मैं इस वक्त मोबाइलों का मॉडल सो रहे हैं, मतलब जब हर दूसरे दिन एक नया मॉडल आ रहा है, कंपनी को खुद नहीं पता इतने बनाई जा रही है मॉडल में मोबाइल पे मोबाइल, तो आप कभी भी परेशान मत होइएगा अगर आप मोबाइल लेते हैं तो, और आप कहते हैं जी मैंने गलती कर ली है मोबाइल लेके, थोड़ा सी देर रुक जाता, इससे अच्छा बेहतर डिवाइस ले लेता, इससे बेहतर मोबाइल ले लेता। इंसान को दो चीज़ें हमेशा तंग कर रहती है, एक शादी थोड़ी सी लेट कर ले तो शायद अच्छी बीवी मिल जाती, तो एक मोबाइल शायद मैं रुक ले जाता, इससे अच्छा ले नहीं, जिस पे है उसी पे खुश रहो, और जो आपके पास मोबाइल है उसको चलाओ और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह। आपका वन फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत एक ही पूरी जो कर सकता है मोबाइल, कोई भी स्मार्टफोन, चाहे आप 1 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी ज़रूरत क्या है, कैमरा है आपकी ज़रूरत, प्रोसेसर है आपकी ज़रूरत, या डिस्प्ले। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आपका कैमरा अच्छा है डिस्प्ले ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है उसके साथ डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा, होगा इसका कुछ नहीं कह सकता। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर आपके कोई इसके वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक कर लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है Facebook के नीचे या Facebook के नीचे आप लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की कंसिडर करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और हमारे अगर फेसबुक पर ऊपर और यूट्यूब के नीचे तमाम लिंक्स दिए हुए हैं जिनको आप फॉलो करके हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक और तमाम जगह फॉलो कर सकते हैं। अपना अपने गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट साजिद महमूद के जय, इजाजत, अगली वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।